हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन के चलते 3 मई तक सारी पैसेंजर ट्रेनें बंद है। इस पर मेरे कई सारे व्यूअर का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि 4 मई से ट्रेनें चलेंगी कि नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के जवाब के लिए मैं रेलवे की तरफ से आने वाले अपडेट का वेट कर रहा था, क्योंकि झूठी खबर और झूठी दिलासा देने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ट्रेनें 4 मई से चलेंगी कि नहीं, इस बात को लेकर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनके घर पर एक बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए मंत्रियों ने हवाई और ट्रेन यात्राएं शुरू करने को लेकर चर्चा की। बैठक में शामिल होने वाले एक अधिकारी ने कहा कि रेलवे व हवाई यात्राएं कब शुरू होंगी, इस बारे में किसी विशेष तारीख को लेकर चर्चा नहीं हुई है। अतः यह समझा जा सकता है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे व हवाई यात्राएं कब शुरू होंगी, इसका अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। अतः इस बात से ही पता चलता है कि फिलहाल 3 मई के बाद भी ट्रेनों का चलना मुश्किल ही है, लेकिन अगर स्थिति काबू में रही तो कुछ अच्छा जरूर किया जा सकता है। दोस्तों, अधिकारियों ने कहा कि बैठक में यह सुझाव भी दिया गया कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए नॉन स्टॉप स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। अतः इन सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि ट्रेनें जब भी चलें, आप उस दिन यात्रा न करें, 2-3 दिन वेट करने के बाद ही यात्रा करें, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपकी यात्रा मंगलमय हो। बाकी फिलहाल 4 मई से ट्रेनों को चलाने को लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 4 मई से ट्रेनें चलेंगी ही। अतः आप ऐसी झूठी खबरों से दूर रहें और यह जानने की कोशिश करें कि जब भी रेलवे की तरफ से कोई अपडेट आएगा तो आप सभी को जरूर से पता चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।